वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, हम आपके लिए आज फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेष तौर पर यह क्वेश्चन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं आज के नए क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, शक्ति की विमाएं वही है जो निम्न की है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में शक्ति की विमा हमें बतानी है। तो शक्ति का सूत्र होता है पी बराबर कार्य बटे समय। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर दो से मैच हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो हमें वह इकाई बतानी है जो कार्य की नहीं है। ऑप्शन है पहला वाट इंटू सेकेंड, दूसरा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, चौथा है जूल। तो देखिए दोस्तों, कार्य की इकाई पहले ऑप्शन वाली भी होती है, तीसरे वाले भी होती है, चौथे वाले भी। दूसरे वाली नहीं होती क्योंकि सही इकाई होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य की सही इकाई ये होती है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु की गति है। देखिए यहाँ पर हमें दिया हो कि वस्तु का विस्थापन समानुपाती होता है टी स्क्वायर के। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स अपॉन टी स्क्वायर का मान नियत होगा, नियत। और यह है, हम जानते हैं यह सूत्र त्वरण को होता है, त्वरण। तो यहाँ पर हमारा त्वरण क्या होता है? नियत है। तो हम कह सकते हैं ये कि यह गति समान त्वरण से होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी के गुटके को किसी नट तल पर खींचना आसान होता है जबकि उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ले जाना कठिन है, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है, भार में केवल एक ही घटक को संतुलित करना होता है, जी का मान कम होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लो कोई नट तल है, इस पर अपन किसी वस्तु को खींचते हैं तो हमें खींचने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका भार है ना, इसके दो घटक होते हैं, एक तो लंबवत घटक, एक क्षैतिज घटक। तो इसमें हमें एक ही घटक को संतुलित करना पड़ता है, इस वाले घटक को ही, यानी कि इस घटक को संतुलित नहीं करना पड़ता। और ऊर्ध्वाधर में दोनों घटक इसी पर होते हैं तो हमें ये दोनों घटक को संतुलित करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। और बाकी द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, ये कम नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। जी का मान भी हमेशा नियत होता है और घर्षण तो उल्टा इस पर अधिक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची मीनार से 1 kg तथा 10 kg द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक साथ नीचे गिराई जाती हैं, तो पृथ्वी तल पर पहली वस्तु, भारी वस्तु पहले पहुंचेगी, हल्की वस्तु पहले पहुंचेगी, दोनों साथ पहुंचेगी, कोई भी पहले पहुंच सकती है? तो इस क्वेश्चन में देखिए, जब हम कोई भी दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो वह पृथ्वी तल पर हमेशा समान ही समय पहुंचेगी, चाहे किसी भी वस्तु का भार अधिक हो चाहे कम हो, कोई भी वस्तु छोटी हो या बड़ी हो। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि उनको समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी तल पर हमेशा साथ ही पहुंचेगी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु स्थिर वेग से चल रही है, कोई वस्तु स्थिर वेग से चल रही है, तो ऑप्शन है इसमें सदैव अवमंदन होता है, सदैव त्वरण होना चाहिए, अवमंदन हो सकता है, स्थिर त्वरण हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वस्तु का वेग स्थिर बताया गया है, यानी स्थिर वेग से चल रही है,
तो अवमंदन तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ऑप्शन गलत है। सदैव त्वरण हो सकता होना चाहिए और अवमंदन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अवमंदन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें त्वरण हो सकता है लेकिन एक ही कंडीशन पर, क्योंकि स्थिर वेग से चलेगी तो त्वरण हमेशा उसका जीरो होगा, लेकिन एक ही कंडीशन में उसमें त्वरण हो सकता है जब वह कोई सीधी रेखा पर नहीं चल रही हो, तभी उसमें यानी और उसकी दिशा चेंज हो रही हो, हर हर सेकेंड में उसकी दिशा चेंज हो, लेकिन उसकी चाल में वृद्धि हो रही हो, तो उसका त्वरण स्थिर हो सकता है, यानी कि सदैव त्वरण स्थिर नहीं रहता उसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, और हम अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और लाइक कर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हमारे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जय हिंद दोस्तों।